तो जो फर्स्ट कोट कंप्लीट हुआ था उसके हिसाब से अब जो कंडीशन है वो कुछ ऐसी है। अभी यहाँ पर जो है बॉर्डर कंप्लीट हो जाएगा, जिस वजह से वो बॉर्डर हम इसलिए रखवा रहे हैं ताकि कोई जानवर या फिर बारिश जब हो तो नीचे का ख़राब ना हो दीवार। तो कुछ अभी सेकंड रो ये हो रही है, और अभी इसमें आपको दिख रहा होगा शायद ये जो साइड बाई साइड जो लाइंस बन गई ना, तो वो जब डबल होगा इसमें तब ये बराबर आ जाएगा। तो चलते हैं अभी अंदर की तरफ और दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या काम शुरू हो चुका है। तो अंदर का जो कुछ हिस्सा है अभी ये इस तरीके से सफाई हो रही है। और जो फर्नीचर का काम हुआ था वो कुछ ऐसा है, ये इस तरीके का ही कमरा निकल जाएगा। ये सब कंप्लीट थी, दीवार की पुट्टी होगी और तो पेंट होगा इस पर। तो जो अंदर का कलर है वो कुछ अभी इस तरीके का सिंगल कोड में आया हुआ है, और जब इस पर अभी डबल कोड होगा तो ये थोड़ा सा डार्क और होगा। उसके बाद जो ये वाली दीवार है और ये वाली दीवार है, ये मतलब पूरा ये पूरा ऊपर से नीचे तक अलग पेंट होगा। ये वाला जो आप देख पा रहे हो ना, इसको कौन सा बोलेंगे, ब्लू है, सॉरी ये जो उन सभी कलर और एडजस्ट कर लेना, ये वाला कलर जो है ये वाला कलर ही डार्क और हो करके जो सेंटर की दीवार है घर की उनमें होगा। तो और हाँ, ये फर्नीचर वाला जो वर्क है जो रह गया था दिखाना, तो दिखा देता हूँ। ये है कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, और ये है, ये कुछ ऐसा है। तो मतलब कुछ ऐसा ही है इस तरीके का। इनको वापस से खोल देते हैं ताकि ये सूख जाए। ये कुछ ऐसा लग रहा है अभी। तो आई होप अभी ये जल्दी से जल्दी सही हो जाए, और मेरे चेहरे से और बातों से लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। तो ऐसी बात है, काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है तो थकना तो लाजमी है। अभी ये सारा जो है ये सारा सही होना बाकी है, और एक बार ही दिखाता हूँ बाहर से जो अब कंप्लीट हो चुका है बाहर का वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो देखो यार कुछ ऐसा छत का नज़ारा है। जो सारा सामान जो कि यूज़ वाला है और अनयूज़ वाला है वो अलग हो जाएगा, वो अभी यहाँ पर सब पड़ा हुआ है। यहाँ का तो पता ही है आप लोगों को क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा पेड़ पौधों का ये है आइटम पूरा। और अब बात करते हैं अगर हम छत का, तो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी इस तरीके से। ये बाउंड्रीज जो हैं
वो रेड हो चुकी हैं, तो छत पे कुछ आ करके अच्छा फील हो रहा है। और ये तुलसा माँ का पेड़ अभी यहाँ है, बाकी नीचे चला जाएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा अपनी जगह पे। कुछ इस तरीके से फिनिशिंग है इसका। जो कलर का रिफ्लेक्शन है आप देख रहे होगे इस दीवार पे भी आता है। अभी फ़िलहाल ये पूरा बॉर्डर पेंट हुआ है, आप देख पा रहे होगे वहाँ पे मैंने सब सफाई करी है, ये पूरा बॉर्डर पेंट हो चुका है। अब चलते हैं नीचे और नीचे से दिखाते हैं एक बार पूरा घर, ठीक है। तो जैसे कि देखा आपने ऊपर से पूरा कैसा दिख रहा है, अब बस जल्दी से ये जो पेंट वाला पार्ट है ये कंप्लीट हो जाए, देन कुछ आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें बढ़ें। तो चलते हैं नीचे और आपको दिखाते हैं, उसके बाद फिर मैं नहाता वाता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है वो करता हूँ। तो चल के एक बार नीचे से पूरा सिनेमैटिक शॉट्स या फिर स्लो मोशन में देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा घर अब नज़र आ रहा है। ये जो पाउडर है ये इसलिए रखा गया है ताकि जब बारिश वगैरह हो तो दीवार को कोई परेशानी ना हो और ख़राब ना लगे। तो ये कम्प्लीटली डन हो चुका है, आप देखिए यहाँ से कितना प्यारा लग रहा है ये। और जो ये जालियाँ हैं ये कंप्लीट हो जाएंगी सिल्वर कलर से, तो ये और अच्छी लगेंगी। तो कुछ ऐसा अभी व्यू है यहाँ से, आपको दिख रहा होगा सही से। ये वाला पोर्शन भी थोड़ा सा सही कर दिया, यहाँ पर जैसा बताया है प्लांट्स लगाऊंगा, ये भी कवर हो जाएगा पूरा सही से। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूँ पीयूष, आप देख रहे हैं सफरिंग लाइफ पे एक नया वीडियो। सो आज मॉर्निंग थोड़ी जल्दी मेरे लिए हो गई, उठ गया, जुकाम भी हो रखा है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो अभी यही सब चल रहा है और बस कुछ दिन और यही सब चलेगा, उसके बाद शुरू हो जाएगी अच्छी वाली एक जर्नी। तो आज जो है वो फाइनल जो हमारे ऊपर के पोर्शन है वो हो जाएंगे। सेकंड थिंग कल शायद और ऊपर काम हो, फिर 5 तारीख को नीचे वाले रूम में काम होगा और बाहर स्टोर में काम होगा, उसके बाद शॉप में काम होगा। तो शायद 5 तारीख एंड ऑफ द डे होगा पेंटिंग का और सारे कामों का, उसके बाद फिर साफ़ सफाई होकर सामान सेट होगा, देन सब चीज़ें सही से रखी जाएंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं और 100 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, इसके लिए बहुत बहुत मुझे खुशी हो रही है। आप सब ने मतलब मिल करके 100 सब्सक्राइबर कर दिए, तो हालांकि खुशी इस चीज़ की हो रही कि यही चीज़ आगे चल करके मेरे लिए एक मेमोरी बनेगी। आगे मुझे नहीं पता क्या होगा, बट हाँ जब एंड ऑफ द डे कभी एक अच्छी जगह पे पहुंचा यूट्यूब से, तो मेमोरी रहेगी कि हाँ 100 सब्सक्राइबर्स जब हुए थे तो क्या था और ये सब। खैर ज़्यादा नहीं सोचना, बस ये है कि हाँ अगर कुछ कर रहे हैं हम तो उसके लिए क्या कर सकते हैं अच्छा वो करना। तो डे बाई डे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी वीडियोज़ जो है वो इम्प्रूव हों, अच्छे तरीके से आप लोगों को दिखें। तो अगर कुछ हुआ करे तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में बता दिया करो कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है, ऐसे नहीं ऐसे अच्छा हो सकता है, तो वो मैं कर सकता हूँ। बाकी किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब मैं किसी को ये वो, ये सिर्फ मेरी मेमरीज़ के लिए मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि वो आगे चल कर के एक मेमोरी बनी रहे कि हाँ मैंने ये सब करा था, ये सब करा है। तो फिलहाल के लिए सो आज के डे की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आज कितने सारे काम होने हैं। तो रेस्ट अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी हैं, वो देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं आज के दिन की तरफ। You made your mind up, 'cause lately all it ever does is change. Feels like we're only talking, talking.